ऐसे बोलते हैं, रुको तुम्हें दर्द नहीं होता? आधा जैसा लटका दिया है तुमको इधर, देखो ये बड़े वजह से धूप सेक रहा है। Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आए हैं कुफरी जू और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे कैसे जानवर है, और मतलब आना चाहिए यार इधर, वैसे देखना एक बार आके दिखाती हूँ आपको। जिंदा है तू या मर गया है? दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये असली यार शायद। मेरे लाइफ में पहली बार देखे ये पक्षी, मतलब कोई कोई तो टीवी में देखे थे ना, ऊपर भी कुछ खाटू असली वो angry bird. This is angry bird. दोस्तों मैंने लाइफ में पहली बार देखी ये जानवर, मतलब ऐसे तो देखे हैं ना बट इतने मतलब बड़े बड़े जानवर, सिंह भी बड़े बड़े, ऐसे लग रहा पॉलिश करके रखा गया। दे आर डेड। तुम असली हो या नकली, पूछो उसे। हाँ जी वो असली है, ये मर चुके हैं ना, आंखें उनमें नकली लगाते होगे कि असली। अब आप लोगों को इधर लगाया जाएगा। हेलो दोस्त, कितने सारे हैं, आवाज निकालो तो कोई इसकी। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं कुफरी जू और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे किस टाइप की जानवर है, मतलब मैं पहली बार इधर आई हूँ। दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े हैं पर इसमें दिखाई नहीं दे रहे, छोटे छोटे दिखाई दे, जूम करके दिखाती हूँ अगर दिख पाएगा तो। मैं तो लाइफ में पहली बार जानवर देख रही हूँ, शायद एक बार गए थे हम कुल्लू मनाली, वहाँ पे देखा था हमने जू। मैं आपको अपनी लोकल भाषा में बताती हूँ कि इसको बोलते क्या है, हमारे गाँव में इसको फरडू बोलते हैं। तो ये देखो आप फरडू, और ये बिल्कुल भी डरता नहीं है, ये फरडू मैंने पहली बार देखा ऐसे चलते हुए रिलैक्स होके। आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, मेरी फ्रेंड कुफरी घूमने आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आपको लग ही रहा होगा हमें देख के पता कि हमने कैसे जैकेट जूते डाल दिए। तो चलो आज हम आपको कुफरी की सैर करवाते हैं।
यार थोड़ा सॉरी गलती हो, थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध नहीं है, मेरी हिंदी थोड़ी शुद्ध नहीं है यार, बड़ी बेशक मैंने हिंदी है वो अलग बात है। गाइस हम दोनों का मेजर सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी रहा हुआ है और हम हिंदी में मतलब डल गए, टॉप किया वैसे कॉलेज टाइम में, बट ये कि बोलने में थोड़ी दिक्कत बचपन से ही, अब क्या कर सकते, थोड़े तो तुला देखो ये बड़े वजह से धूप सेक रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने ऐसा थोड़ा कर लाना बोलो सुन लो मुझे। हाँ लोकल भाषा में बोलते हैं, हमारे घर की भाषा में बोलते हैं तेंदुआ, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ये इसको स्टिंग पिलाने वाली है वो। मैं स्टिंग पिलाना चाहती थी पर ये उठ ही नहीं रहा है। उसके मुंह से लार टपक रही होगी। मैं यार पहली बार आई हूँ इधर, मतलब एक बार गए थे हम कुल्लू मनाली जब हम छोटे छोटे थे, टेंथ क्लास में ट्रिप पे गए थे तब, और अभी देख के लग रहा है यहाँ पे कि जानवर कैसे होते हैं। मैंने तो कभी चीता वगैरह देखे नहीं और आज देखे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक भालू सोया हुआ है और ये उठ नहीं रहा है, अगर उठता तो बहुत अच्छे से दिखा पाती मैं आपको। मैं जैसे लेटा हुआ है उल्टे करके टांगे ऊपर से नीचे। दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि अकेला सा रहता है इसको बुरा नहीं लगता, हो सकता है इसको घर वालों की याद आती होगी। दोस्तों मैं आपको घोरल दिखाती हूँ, हमारी लोकल भाषा में इसको घोरल बोलते हैं, काकड़ी होंगे शायद है। बेचारे बोर नहीं हो जाते होंगे इधर ऐसे, कितना ही खाएंगे कितना ही सोएंगे, घूमने के लिए थोड़ी जगह तो चाहिए ना। चलो आपको और भी दिखाएं बहुत कुछ। दोस्तों मैं सोच रही थी यहाँ पे एक चीता है ना, तो उसको मैं कहीं इनकी खुशबू तो आती होगी ऐसे, मतलब यहाँ पे और भी जानवर हैं तो कभी उसने कोशिश नहीं की होगी कि मैं थोड़ा सा खा लूँ ये कुछ, मतलब मैं सोच रहती हूँ वेली बातें। अगर आपको मेरी वेली बातें सुननी है तो इस ब्लॉग को देखिए, नहीं तो फिर क्या ही बोल सकते। इधर सिर्फ मैं ही हूँ अभी, ये देखिए मेरे आगे पीछे और कोई भी नहीं है, और तो और वो जानवर भी दिख रहे मेरे को, जू। चलते हैं दोस्तों, आज का जो दिन है हमारा वो बीता है कुफरी जू में। मैं ना बहुत तुतलाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं कैमरा पकड़ती हूँ ना, जैसे मैं कैमरा पकड़ूँ या फिर मैं कहीं नई जगह पे जाऊँ तो मैं ना तुतलाना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों मेरे को डर लग रहा है आगे एक बारहसिंगा है, शायद यही बारहसिंगा होता होगा, मैं दिखाती हूँ आपको। इसके लिए बहुत आसान होगा ना ये जाली तोड़ना, ये देखो मेरे को डर लग रहा है, मतलब इनके लिए बहुत ईजी है शायद ये तोड़ना। परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना मैं तुमको, इनोसेंट। तुमको गुस्सा आ रहा है मुझे देख के, सॉरी माना मत, हाँ माना मत। बोर हो जाते होगे सारा दिन इधर घूम घूम के, मारोगे तो नहीं ना? हाँ मार भी सकते हो,
इतने सारे। चलिए दोस्तों अभी मैं दोस्तों खाना हम लोग साथ में लेकर गए थे ताकि हमें मतलब खाने के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े। ऐश की जिंदगी जी रहा है बंदा मुफ्त का। यार बस एक बार दहाड़ जाऊं। मैंने इतने टाइम से अपने फोन की कैमरा ऑन रखा हुआ है। नहीं नहीं दहाड़ेगा। चले चले चेहरा याद मत रखना। चेहरा याद मत रखना, कहीं रास्ते में मिल जाए कभी। और किधर गए? झूठा मारे हो अंदर के पूरी गरम मार। मैं थोड़ा थोड़ा करके जाऊंगा। इकट्ठा नहीं करना होगा। तू थोड़ा थोड़ा करके जा। हां थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल दो ना। वो बड़ा बैठे हैं दो। वो खतरे का रात के बाद के बाहर निकल रहे हैं। भाई जो मेरे पास है तो चल रहा है। चलो यार गिनती बाहर चल रहा है। इसको देखते बाहर ले गाड़ी मोड़ के। कि इधर इनके लिए जो है भूत बंगले बनाए गए हैं। मतलब देखने में ऐसे लग रहा है कि भूत बंगला ही है। एक तो मेरे फोन में जो है कैप्चर बढ़िया से नहीं हो रहा। मैं आपको क्या ही बताऊं यार। मुर्गा भी देख लीजिए। मैंने जो जुराना पहली बार देखा जो जुराना। दोस्तों हम लोग गए भी पैदल और आए भी पैदल। और ऐसे रास्ते से गए जहाँ से घोड़े चलते। और इतना ख़राब रास्ता था ना वो, बहुत ख़राब रास्ता था। ऊपर से यहाँ पे ऐसे डर लग रहा था कि जहाँ से हम जा रहे थे ऐसे लग रहा था कि घोड़े कब जैसे लात मारेंगे। इतने नज़दीक से गए हम और इधर बहुत सारे घोड़े थे। कचरे को इग्नोर करते हुए आप मुझ पे ध्यान दीजिए क्योंकि मैं इन कपड़ों का कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर सकूँ। और मेरे को ये स्पेस मिला था। यहाँ से लाइट भी आ रही है खिड़की से। ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ अपनी पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो आज का जो व्लॉग रहेगा हमारा वो रहेगा कुफरी ज़ू पर। आज हम लोग गए थे कुफरी घूमने। तो उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ज़ू में कौन कौन से जानवर हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि कुछ बीच में छूट जाए तो आप लोग वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। अच्छा है। मैं
इनको इतनी देर से बोल रही हूँ कि फ़ोन की साउंड कम कर लो, मेरे को वीडियो शूट करनी है, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल भी साउंड कम नहीं कर रहे थे फ़ोन की, इसलिए मैंने इनसे ईयरफोन मांगी। फिर देखो एटीट्यूड देखो बंदी का, जैसे गलती भेज रही हूँ। अभी इन्होंने साउंड कम कर ली जब मैंने ईयरफोन ली, इससे पहले नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। और इन्होंने मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछा। चाय तो बना लो, चाय तो बना लो। ये है हमारा जाना पहचाना चेहरा।